बुलंदशहर जिला अस्पताल में वायरल बुखार के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि जनपद बुलंदशहर में वायरल बुखार ने अपने पैर पसार रखे हैं। कोई घर ऐसा नहीं बचा होगा जहां पर इस बीमारी ने बच्चे या बूढ़े को अपनी चपेट में न लिया हो। बुलंदशहर जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ रही है। एक डॉक्टर को एक दिन में लगभग 300 मरीज देखने पड़ रहे हैं। वायरल बुखार की चपेट में आने से जनपद भर में दर्जनों मौतें हो चुकी हैं। जिला अस्पताल में मरीजों को सही उपचार मिल रहा है, जिससे जनपद भर के लोग जिला अस्पताल में अपने उपचार के लिए आ रहे हैं। जिला अस्पताल की CMS रामवीर सिंह ने लगभग 10 डॉक्टर BUMS को टेम्परेरी बेस पर रखा है, जिससे वह मरीजों की देखभाल कर सकें। बुलंदशहर जिला अस्पताल में डॉक्टरों की अत्यधिक कमी है, वह नर्सों की भी बहुत कमी है। जिला अस्पताल स्टाफ के लिए तरस रहा है, मगर शासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। डॉक्टरों की माने तो किसी भी मरीज को एडमिट करने से मना कर रहे हैं, भले ही चाहे उन्हें एक बेड पर दो मरीजों को लिटाना पड़ रहा हो। कहते हैं कि अस्पताल के अंदर मरीजों की संख्या अत्यंत बढ़ती नजर आ रही है। लगभग आप एक दिन में कितने मरीज देख पा रहे हो? एक दिन में 1.5-2 हजार में आप अकेले खुद देख पा रहे हो, सारे स्टाफ देख पा रहे हो? सारा स्टाफ देख पा रहे हो। लेकिन अस्पताल के अंदर किस तरह की बीमारियां ज्यादा सामने आ रही है? मुख्य बीमारियों में 10 उल्टी, मलेरिया, टाइफाइड और सांस की, इस तरह की बीमारी आ रही है। तो लगभग अस्पताल परिसर में कितने लोग एडमिट होंगे यहाँ पर? एडमिट की संख्या लगभग 150 ये मुख्य बीमारियाँ हैं जिसकी वजह से अगर ये बीमारी जो फैल रही है, किस चीज़ से फैल रही है, इसका कारण क्या है? मुख्य कारण मच्छरों गाँव में ज़्यादा होना, पानी का गंदा होना, खाने पीने में सफाई ना होना, इस वजह से दिक्कतें ज़्यादा। चलिए आपको दिखाते हैं बुलंदशहर जिला अस्पताल की कुछ तस्वीरें। यहाँ पर जो है बुलंदशहर के अंदर मरीजों की संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे कि डॉक्टर साहब से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगभग एक दिन में 1.5 से लेकर 2 हज़ार मरीजों को यहाँ देखा जा रहा है और लगभग सारे बेड फुल हैं। एक एक बेड पर दो दो तीन तीन मरीज एडमिट किए जा रहे हैं। जैसे कि बुखारों के अंदर डॉक्टर साहब ने बताया कि वायरल और चिकनगुनिया और टाइफाइड, मलेरिया जैसे बुखार, बच्चों में उल्टी, दस्त जैसे जो है पेट में दर्द जैसे इस तरह की बीमारियां फैल रही हैं। और लेकिन जब लगता है कि अस्पताल के अंदर मरीजों का जमावड़ा इतना बढ़ गया है, ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा शहर, पूरा जिला जिला अस्पताल के अंदर बीमारी की चपेट में आ चुका है। अब देखना यह है कि बुलंदशहर के अंदर ये अस्पताल वाले कितनी सुविधाएँ इन मरीजों को देते हैं। और मैं बुलंदशहर से वसीम सिद्दीकी, द न्यूज़ इंडिया। ये थी बुलंदशहर से काजल लोधी के साथ वसीम अहमद सिद्दीकी की खास रिपोर्ट।